Stuck in the middle of coming inside and working out. Just stay for a little. You say is it close the door behind me looking. जब अमीर होने के सपने पूरे होने लगते हैं तो ये गाड़ियाँ आपके साथ चलने लगती हैं। और मेरे साथ खड़ी है मर्सिडीज की GLC 220D और मैंने क्या किया है, इसके साथ एक लंबा वक्त गुजारा है, 7000 किलोमीटर से चलाया है और आपसे अब मैं साझा कर सकता हूँ अपने उन अनुभवों को जो इसके साथ मैंने जिया है। तो पहली बार अगर चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। अगर आपका बजट 70 लाख रुपये के आसपास है तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये GLC 220D क्यों खरीदनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मासेस की आप बात करते हैं तो वहाँ पर मारुति का नाम ही काफ़ी होता है और जब लग्जरी की बात करते हैं तो वहाँ पर मर्सिडीज़ का नाम ही काफ़ी है। रोड प्रेजेंस के मामले में ये सबसे अलग अपने आप को खड़ा रखती है। दिल्ली से लेके गोरखपुर तक मैं जहाँ जहाँ से इसे लेके निकला हूँ आपको बता सकता हूँ कि लोगों ने मुड़के सिर्फ इसलिए देखा है कि उनको लगता है कि जो 3 स्टार है ना, एक अलग गाड़ी नहीं है, एक अलग कहानी है। क्या कहानी है इस पूरे वीडियो में आपको देखने को पता चलेगा। तो अपने इस लॉन्ग टर्म के एक्सपीरियंस के दौरान मेरी गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको बताता चलूं, रियर सीट पर बैठकर मैं ज़्यादा यात्रा करना पसंद नहीं करूंगा इस GLC 220D को। क्यों बोल रहा हूं ये, जब मैं आगे ड्राइव कर रहा हूं तो वहां पर इसका जिक्र करूंगा, लेकिन सीट पर आपको जो जो चीज़ें मिलती है वो दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें आपको कप होल्डर भी मिल जाते हैं और थोड़ा सामान रखने की जगह भी मिल जाती है। तो अगर आप कप होल्डर एक्सेस करना चाहते हैं यूँ एक्सेस कर सकते हैं और पूरी की पूरी लग्जरी आपको पीछे मिल जाएगी। यहीं पर आपको एसी वेंट मिल जाता है और सी टाइप चार्जर भी मिल जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और पीछे वाली सीट को यहाँ बैठे बैठे आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 60-40 के रेशियो में ये सीट फोल्ड भी हो जाती है तो व्यवहारिकता के लिहाज से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन अगर यहाँ पीछे वाली सीट पर बच्चे बैठना चाहते हैं या महिलाएं बैठना चाहती हैं तो मुझे लगता है वो कंप्लेन नहीं करेंगी, और खास करके जो एवरेज हाइट के लोग होंगे वो बैठेंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं आने वाली है और आराम से बैठकर यहाँ यात्रा कर सकते हैं। और बच्चे सनरूफ पर भी खड़ा होना पसंद करेंगे अगर मौसम अच्छा रहेगा। एसी वेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि आपके सुकून का ध्यान रखते हैं। जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, पीछे कोई बैठा होता है तो आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया इसे वहाँ से मुझे और कूलिंग चाहिए। और अगर आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आ गया है तो यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट दिया गया है जो कि सपोर्ट करेगा जब आप उस बच्चे को यहाँ पर बिठाएंगे सीट लगा के। तो जो ये गाड़ी है ना, ये शुरुआत है, प्रतीक है, आप धनाढ्य बन रहे हैं। और कहाँ से आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आप रिच होते हैं तो यहाँ पर आपको रिचनेस पता चलेगी। जो प्रीमियमनेस इस पर आपको वुडन टेक्सचर में मिल रहा है ना, बहुत ही लाजवाब है। और साथ ही अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपके पसंद की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टच है पूरा और यहाँ पर कम्फर्ट भी दिया गया है। तो अगर आप इसके साथ खेलना पसंद करेंगे और मोबाइल चलाना पसंद करते तो मुझे लगता है कि आप बोर नहीं होंगे। अगर आप इसके साथ भी खेलते रहेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, मीडिया वगैरह पूरा मिल जाएगा, कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको चाहिए मसाज तो ये रही, आप ऑन कर लीजिए, दोनों सीट पर मिलता रहेगा। 12-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है और बहुत ही लग्जूरियस से जब आप बैठेंगे, क्योंकि मैं 7000 किलोमीटर तक इसे चला चुका हूँ, इसके बाद बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। और जिसकी नई नई शादी हुई है, उसकी नई नई बेगम आई हैं, वो भी यहाँ पर बैठकर बहुत खुश रहने वाली हैं, क्योंकि बात करते हुए इसके लग्जरी के साथ वो तालमेल अपनी ज़िंदगी का बिठा लेंगे। कई सारे टच पैड मिल जाते हैं जो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आपको डिमांड चाहिए तो यहाँ पर डायनेमिक आप ये देख रहे हैं ना, इसके सहारे आप इस गाड़ी को बहुत सारे मोड दे सकते हैं। कैसे, ये देखिए, इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको, जो आपको चाहिए उस हिसाब से इस गाड़ी को उड़ाइए, मज़ा आएगा। और सामने भी आपको बहुत सारे ऐसे कंट्रोल मिल जाते हैं जो आंखों में बसे रहते हैं, और जब आप इसे चला रहे होंगे तो इसका क्रूज कंट्रोल और जो पूरे बटन दिए गए हैं धीरे धीरे आप सीख पाएंगे, लेकिन सीखना अच्छा लगेगा आपको क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है। मौसम अच्छा होगा तो क्या करिएगा, सनरूफ ओपन कर लीजिए क्योंकि इसमें पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये आपको सारे नज़ारे आपकी आँखों में समेट देगा। ज़रूरी नहीं है कोई हर बार
इस सीट पर बैठा हो जो आपका साथ निभाए, तो क्या होगा, इसमें एक बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है जो आपको कभी भी बोर नहीं होने देगी। और अब बारी से चलाने की, और चलाते हुए आपको बताता हूँ कि मैंने कितना इसको चलाया है और चलाने के दौरान किस किस कंडीशन में आपको कितना सपोर्ट करने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसका कंफर्ट और आपको बताते हैं जब डेली मर्रा में आप इस मर्सिडीज को यूज़ करोगे तो किस तरीके का आपको कंफर्ट मिलने वाला है और क्या लग्जरी ये ऑफर करती है। और ये सब कुछ बता रहा हूँ 7000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद। आप देख सकते हो 8406 इसके स्पीडों पर अंकित है, और जब मेरे पास आई थी तो ये 1400 के आसपास में इस पे स्पीडों पर था और मैंने इतना अंकित कर लिया है। और यहीं पर जिक्र करेंगे माइलेज का भी, तो चलिए चलते हैं आगे। तो जब आप इसे चलाना शुरू करोगे, खास करके जो जो शहर मैंने कवर किए हैं, मैंने बहुत सारा हाईवे इस पे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, ये सब कुछ करते हुए मैंने उन गलियों को भी देखा है। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि अभी कुछ कुछ लॉकडाउन का वक्त चल रहा था तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, तो मैं ट्रैफिक वाले एक्सपीरियंसेस को इसके साथ साझा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें मैंने इसको चलाया नहीं है। लेकिन आपको बता दूँ, इस दौरान जो इसने मुझे कंफर्ट दिया है, मैं इसका कायल हो गया हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं अगर इस गाड़ी को ख़रीदता हूँ तो मैं इसे चलाने के लिए लूँगा, ना कि पीछे बैठने के लिए। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ क्योंकि चलाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन जहाँ मज़ा नहीं आता है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। वो जगह कौन सी है, जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से कूद रहे होते हैं, खास करके लेके इसे निकल रहे होते हैं, और वो बहुत हैवी होता है या फिर हल्का भी होता है तो आपके पीठ में बम पता चलता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट साइड में इसका सस्पेंशन सेटअप है और वो आवाज़ केबिन में आ जाती है, तो वहाँ पर दर्द होता है कि 70 लाख रुपए खर्च किए हैं और ये दर्द मुझे मिल रहा है। लेकिन ये गाड़ी इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से नहीं, जर्मन ऑटोबॉन या फिर बड़े बड़े हाईवेज दुनिया के हैं उसके हिसाब से बनाई गई हैं, जहाँ पर स्पीड ब्रेकर का कोई कल्चर नहीं है। तो जहाँ पर स्पीड ब्रेकर आएगा वहाँ पर आपको दर्द मिलने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन इसके अलावा ये सिर्फ आपको खुश करके रखने वाली है, ये बहुत ही लाजवाब है। क्यों लाजवाब है, जब आप इसे चलाते हो, खास करके 100 की स्पीड पर जो हमारे लिमिट यहाँ पर बनाए गए हैं ड्राइविंग के, जब आप उसे ड्राइव कर रहे होते हो तो वहाँ पर क्या होता है, मन करता है कि थोड़ा और तेज़ चलाओ। क्यों मन करता है, क्योंकि इसका जो केबिन का इंसुलेशन है बहुत लाजवाब है और आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। तो जब 100 की स्पीड पे होते हो, जो कि स्थापित मानक है हमारे, वहाँ पर जब इसे ड्राइव कर रहे होते हो तो मन करता है कि भैया और खींचो, क्योंकि वहाँ पर जो आपको फील होता है 40-50 वाला स्पीड फील होता है 100 पर, तो ये लगता है कि भैया कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि स्पीड यहाँ पर जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं उस पर जीना थोड़ा मुश्किल होगा, ये मान के चलिए। और आपको बता दूं, इसमें जो ड्राइविंग मोड दिए गए हैं आपको ये मिल जाते हैं, 4 ड्राइविंग मोड यहाँ से सेलेक्ट करते हो, इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कम्फर्ट, ईको। तो कम्फर्ट और ईको, यही 2 मोड हैं जिसपे आप खेलने वाले हो इस गाड़ी को, क्योंकि स्पोर्ट मोड को चलाने का मौका आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे ट्रैफिक हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे रेगुलेशन हैं, तो वहाँ पर आप नहीं जी पाते हो। और ये कम्फर्ट में आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करते। एसी का कूलिंग खराब हो जाता है जब गाड़ी बहुत देर तक धूप में खड़ी होती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्या हुआ कि काफ़ी टाइम के लिए मैं जब इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में छोड़ा तो यहाँ पर जो आपको कर्टन मिलता है ये ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक की वजह से जो ये पूरा इसका पैनोरामिक सनरूप दिया गया जिसका कांच है, पूरी हीट अंदर दे देता है और उस हीट को कूल करने में बहुत वक्त लगता है। तो आप इस गाड़ी को छाया में ही पार्क करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। इस गाड़ी को चलाना बहुत ही आसान है, तो अगर कोई ऑटोमेटिक चलाना जानता है अच्छे से तो उसे इसे हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ इतना उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि लीवर यहाँ है और उसको अपने पूरी शिफ्टिंग यहाँ से करनी है। इसके अलावा कुछ अगर उसको ड्राइविंग मोड चूज करना है तो यहाँ पर उसे ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर और इंथू है उसमें ड्राइविंग का, ज़्यादा उनको पैशन है तो और सारे फीचर्स धीरे धीरे सीखने पड़ेंगे जो मैंने इसको चलाते हुए एक्सपीरियंस किया। तो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी, ये गाड़ी आपको खुद ही बताती चली जाएगी। जब आप इसके साथ खेलेंगे, थोड़ा वक्त गुजारेंगे तो बहुत ही जल्दी इसके यूज टू हो जाएंगे। आपको बता दूं, इसमें पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, लेकिन ये पैडल शिफ्टर मुझे लगता है ना भी हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस सेगमेंट पे जहां पर इसको स्थापित किया गया है, जहां पर इस गाड़ी को दिया गया है, सच में इस जगह पर ये अपनी उपयोगिता पूरी तरीके से प्रखर रूप से सामने रख जाती है, जहां पर 3 स्टार का की जो आभा है वो चमकदार होकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक कितनी सारी बस्तियाँ पड़ी होंगी, कितनी सारी जगहें पड़ी होंगी जो मैंने जब मैं निकला है वहाँ से लेकर, तो लोग जानना चाहते थे ये गाड़ी कौन सी है। अभी भी लोगों को मर्सिडीज़ के बारे में, खास करके जो ग्रामीण इलाके से आते हैं,
वहाँ पर जहाँ भी विकास नहीं पहुँचा है वहाँ पर इसके बारे में लोगों को नहीं एक उत्सुकता दिख जाती है। उत्सुकता क्यों आती है, मैंने उसी जगह से और गाड़ियाँ भी लेके निकला हूँ तो वहाँ पर वो उत्सुकता नहीं दिखती, लेकिन इसके लिए उत्सुकता दिखती है क्योंकि जो स्टार बना हुआ है ना वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कम्फर्टेबल है, चलाने में मज़ा आता है और 100 की स्पीड पर तो पता ही नहीं चलता है। अगर आपको इसका ड्राइविंग के बारे में बहुत कुछ बताना होगा तो उस स्पीड के बियॉन्ड बात करना पड़ेगा। तो मुझे मौका मिला, मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसे जीके आते हैं। तो जब बाहर निकला कहीं पर एक खुली सड़क थी तो 0 to 100 करने की कोशिश की। आपको सच बता दूं 0 to 100 एकदम जादुई अंदाज में कर देता है, बहुत मज़ा आता है। जिसका इंजन दिया गया है 2 लीटर का डीजल इंजन, परफेक्ट है इसके लिए, बहुत ही रिफाइंड है। और जो इसका पावर आउटपुट कई बार शेयर कर चुका हूं तो यहां पर पावर आउटपुट की बात करने की ज़रूरत नहीं है। टॉर्क और जो इसका पावर आउटपुट है इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ तालमेल बिठाता है और कहीं से भी आपको निराश नहीं करता। बात करें चाहे आप हाईवे ड्राइविंग की, बात करें चाहे आप सिटी ड्राइविंग की या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की, इसके एकदम अनुकूल रहता है और गाड़ी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। लेकिन जब ख़राब रास्ते आ जाते हैं तो वहाँ पर ये चीख पड़ती है कि भैया ये उन रास्तों के लिए नहीं बनी है और वहाँ पर इसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी बनाई जाती है और उसका एक नेचर स्थापित किया जाता है उस लिहाज से बनाया जाता है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं हुई। तो 7000 किलोमीटर में जो मुझे माइलेज मिला वो भी आपको मैं साझा कर लूँ। मैं जब बताना चाह रहा था बड़ी देर से तो मुझे कई बार तो दिखा कि मैं 22 किलोमीटर प्रति लीटर का भी माइलेज निकाल रहा हूँ। पूरी पर्चियाँ भरी पड़ी हैं, अगर आपको दिखा दूँ तो इतने सारे मेरे पास स्लिप हैं जो मैंने इसमें डलवाए हैं। सारा अगर दिखाना शुरू करूँगा, गिनना शुरू करूँगा तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, वो मुझे नहीं बताना है। मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है। 7000 किलोमीटर में जो मुझे माइलेज मिला है उस एवरेज माइलेज 16 किलोमीटर प्रति लीटर का इस मर्सिडीज से मिला है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की गाड़ियों को कंपेयर करना शुरू करेंगे इसके साथ में तो माइलेज के मामले में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कई सारी उनकी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ देगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली मर्रा की लाइफ में अगर आप इस गाड़ी को SUV के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। जीवन का मतलब तो आना और जाना है, मेरे ज़िंदगी में इन गाड़ियों का मतलब भी आना और जाना है। मैं क्या करता हूँ, इनके साथ ही वक्त गुजारता हूँ, आपसे अपने अनुभव साझा करता हूँ और जहाँ आपको कोई गाड़ी खरीदनी होती है वो अनुभव आपके काम आ जाते हैं और यही मेरा काम पूरा हो जाता है और मैं फ्रेम से आउट हो जाता हूँ। तो मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं फ्रेम से आउट हो रहा हूँ। लेकिन अगर कोई और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर amit.dwivedi पर लिख के चले जाइएगा। वादा करता हूँ वीडियो ज़रूर आपके लिए लाऊंगा। ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त और गुजारता हूँ इस गाड़ी के साथ, इसके पहले ये चली जाए। चलिए चलता हूँ। Yeah,